मध्य प्रदेश के जीवनदायिनी नर्मदा का जल स्तर लगातार 6 महीने से बढ़ा हुआ ही रहता है। ऐसे में लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नर्मदा तट पर नहीं कर पाते, जिसके चलते नर्मदा से दूर नया एक शवदाह गृह बनाया गया है जिसमें 2 शेड है। जबकि सिर्फ बड़वानी ही नहीं, जिले के अन्य स्थानों से भी लोग अंतिम संस्कार सहित कर्म कांड के लिए नए शवदाह गृह आते हैं। ऐसे में शवों की संख्या अधिक होने पर उन्हें भी जलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, देख रेख के अभाव में नया मुक्तिधाम अव्यवस्थाओं से लबरेज है। साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वही सिंगल पट्टी का रोड अंदर बना हुआ है और आसपास पूरी झाड़ियां हैं, जिससे जीव जंतु निकलने का डर बना रहता है। वहीं जलाने के लिए जो लकड़ियां रखी हुई है वो भी खुले आसमान में पड़ी हुई है, जो बारिश में गीली हो जाती है, जिसे शव दाह के लिए जब उपयोग में लिया जाता है तब शव जलाने में भारी मशक्कत करना पड़ती है। आधा अधूरा शव दाह होता है, जिसे बार बार अग्नि देकर जलाने की कोशिश लगातार की जाती है, जिससे अन्य शवदाह करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सर, राजघाट पर जो पुराना शमशान घाट था सर, वो जल स्तर बढ़ने के कारण बंद हो गया और जो अभी जो व्यवस्था है वहाँ पर सर, मुर्दों को भी इंतजार करना पड़ा अपनी बारी का। अभी आपके द्वारा बताया गया है, मेरे संज्ञान में लाया गया है, तो जो भी उसका यथासंभव कोई निराकरण कर सकते हैं या कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं तो उसके संबंध में जनपद CO नगर पालिका अधिकारी से चर्चा करके कोई एक्शन लिया जाएगा। सर, जैसे वहाँ जैसे किसी का अगर दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो उनके जो लकड़ी सामग्री है वो भी ऐसे खुले में पड़ी रहती है सर? हाँ, आपके द्वारा पूरा मामला संज्ञान में लाया गया है कि वहाँ स्पेस की कमी के कारण ये अव्यवस्थाएँ हो रही है, तो मौका निरीक्षण करके कोई निराकरण इसका निकाला जाएगा। हम शमशान घाट की बात करें, किस तरह की व्यवस्था है और क्या होना चाहिए? बड़वानी का दुर्भाग्य है ये, एक सौभाग्य भी है कि बड़वानी के पास नर्मदा नदी है 5 किलोमीटर पे। 6 महीने तो हमें अंतिम संस्कार के लिए कोई समस्या नहीं आती है, नर्मदा किनारे ही आराम से अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन 6 महीने जब पानी भरा हुआ रहता है तो बड़वानी में जो नवनिर्मित शांति धाम है वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन वहाँ पर शासन प्रशासन जनता की कोई रुचि नहीं है। अव्यवस्थाओं से भरा पड़ा है, अग्नि संस्कार करने के सेट जो है वो गिनती के दो ही बने हुए हैं, 2-3-4 आ जाए तो वेटिंग में कभी कभी रहना पड़ता है। आसपास गंदगी भी बहुत सारी पर्याप्त मात्रा में है और झाड़ियों की मात्रा भी अत्यधिक हो गई है, जिसमें मतलब कई बार मतलब आदमी को डर लग का वातावरण रहता है कि कहीं सांप बिच्छू नहीं आ जाए। मतलब अंतिम सत्य यही है कि अब जाना सबको वहीं है, लेकिन वहीं की व्यवस्था सुकून से नहीं है। किस तरह की व्यवस्था वहाँ की? शासन प्रशासन और जनता ने मिलकर वहाँ सबसे पहले श्रमदान करना चाहिए, जगह अच्छी बनाना चाहिए ताकि लगे। आज अपन बड़वानी से बाहर कहीं पे भी चले जाओ, खरगोन, खंडवा, इंदौर, अंतिम संस्कार करने की जगह बिल्कुल टिप टाप मिलेगी, इतनी व्यवस्थित मिलेगी कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और बड़वानी की अगर नर्मदा नदी को छोड़ दो, 6 महीने के लिए आदमी वहीं जाएगा नए शांति धाम में, लेकिन वहाँ पर बाहर से भी आदमी कोई अंतिम संस्कार के लिए आया तो उसको गिल्टी महसूस होगी कि बड़वानी में देखो कैसी व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।